गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी हाँ, एक शिक्षक एक टीचर के बिना बच्चे का उज्जवल भविष्य कभी भी नहीं बन सकता है। इसलिए टीम OFR सबसे पहले आप सभी टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता है जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर टीम OFR के इस इनिशिएट में उनका साथ देने के बारे में सोचा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी की मदद के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। आज आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कल न जाने वो किस किस पद पर होंगे। कोई कलेक्टर होगा, कोई पायलट होगा, कोई इंजीनियर होगा और अपनी महान ऊंचाइयों को छुएगा। आप लोगों की बदौलत, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके बिना ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। कुछ बच्चे याद रखेंगे, कुछ बच्चे भूल जाएंगे, लेकिन टीम OFR गुरुजनों के इस महान काम को हमेशा सराहता है। इसलिए मेरी ओर से और टीम OFR की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम चार चीजें बच्चों को सिखाएंगे, जिसके अंतर्गत हम बच्चों को सिखाएंगे हाउ टू स्टडी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाउ टू अवॉइड बैड हैबिट्स एंड रिस्पेक्ट टू टीचर्स एंड पेरेंट्स। इस चीज को बताने के लिए मैं आप लोगों को डिटेल में सारी चीजें बताना चाहता हूं, तो चलिए बिना देर लगाए शुरू करते हैं। इन चार पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट है हाउ टू स्टडी। जी हाँ बिल्कुल, जो कि आपको मुझसे बहुत अच्छे तरीके से पता है, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जिसके अंतर्गत यदि बच्चे पढ़ाई करेंगे तो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है सुबह जल्दी उठें। जी हाँ, कई बच्चे उठने में देरी लगाते हैं और उसके बाद उनका पूरा दिन का जो रूटीन है वो लेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो हमें बच्चों को बताना है कि सबसे पहले जल्दी उठें। दूसरा पॉइंट है टेंशन ना लें। जी हाँ, किसी भी चीज के लिए टेंशन ना लें, जल्दी उठें और जल्दी से तैयार हो जाइए, इसके बाद सारी चीजों का टेंशन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है पढ़ाई के तरीके पता होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि कितनी देर पढ़ना है और उसके बाद कितनी देर का ब्रेक लेना है। तो पढ़ना है 45 मिनट और ब्रेक लेना है 15 मिनट का। जी हाँ, कई बच्चे ऐसा होता है कि लगातार बहुत सारा पढ़ लेते हैं और फिर थक जाते हैं, जिसके बाद उन्हें पढ़ने का मन नहीं करता। इसलिए पढ़ाई इस प्रकार से होना चाहिए कि यदि बच्चा एक घंटा पढ़ना चाहता है तो सबसे पहले उसे 45 मिनट पढ़ना है और उसके बाद उसे 15 मिनट का ब्रेक लेना है। चौथे पॉइंट में हमें बच्चों को बताना है कि दिन भर में पढ़ाई का एक टाइम होता है जब आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है। जैसे सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें समझ में आती है, तो दिन भर में एक टाइम होता है जब याद करने से चीजें याद होती है, समझने से चीजें समझ में आती है। इसलिए हमें बच्चों को ये बताना होगा कि दिन का वो टाइम कभी ना गवाए और उस टाइम को सिक्योर करें, सेव करें और उसी टाइम में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें। पांचवे पॉइंट में हमें बच्चों को बताना है सही पोजीशन में पढ़ाई करें। जी हाँ बिल्कुल, जब बच्चे घर पर होते हैं तो किसी भी प्रकार से पढ़ लेते हैं। कोई बच्चा लेट कर पढ़ता है, कोई बच्चा बैठ कर पढ़ता है और कभी कभी तो बच्चे टीवी देखते हुए भी पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब वो एग्जाम हॉल में जाते हैं तो उन्हें घर पर तो चीजें याद हो जाती है क्योंकि उनकी वो पोजीशन होती है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाकर पोजीशन चेंज हो जाती है। उन्हें एक टेबल और एक कुर्सी मिलती है जिस पर उन्हें बैठना होता है और वो सारी चीजें भूल जाते हैं। लेकिन जब घर वापस आते हैं एग्जाम देकर और उसी पोजीशन में आते हैं तो उन्हें वो सारी चीजें याद आ जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जिसका बहुत असर बच्चों पर पड़ता है। तो हमें बच्चों को सिखाना होगा कि एक सही पोजीशन में आप पढ़ाई करें, जिस पोजीशन में आप स्कूल में बैठते हैं, जिस पोजीशन में आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं। छठवां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी टीचर्स अपने बच्चों को जरूर बताते होंगे। एग्जाम आने पर पढ़ाई ना करें, पहले दिन से ही पढ़ाई शुरू करें। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन बच्चे इन बातों को नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं। वो सोचते हैं कि जब एग्जाम आएगा तब पढ़ाई कर लेंगे, अभी पढ़ने से क्या फायदा है, तब तक तो हम सारी चीजें भूल जाएंगे। इसलिए कुछ ट्रिक्स डेवलप कीजिए, कुछ टेक्निक्स डेवलप कीजिए। जो मंथली टेस्ट होते हैं, जो वीकली टेस्ट होते हैं, वो इसीलिए होते हैं। तो बच्चों को हमें समझाना होगा कि जब एग्जाम आएगा तब पढ़ने से अच्छा है कि पहले दिन से पढ़े, ताकि आपको सारी चीजें याद भी रहेंगी और आपको कभी भी एग्जाम का टेंशन नहीं होगा। सातवीं और लास्ट बात है इस पॉइंट की, हमें बच्चों को बताना होगा कि हर सब्जेक्ट्स के कठिन क्वेश्चंस को पहले तैयार कर लें। जी हाँ बिल्कुल, इससे दो फायदे होने वाले हैं। कठिन क्वेश्चन में नंबर भी ज्यादा मिलेंगे और जब आपने कठिन क्वेश्चन तैयार कर लिया है तो इजी क्वेश्चंस ऑटोमेटिक आपके तैयार हो जाएंगे। यही बात हमें अपने बच्चों को बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इस टॉपिक का दूसरा पॉइंट है रिस्पेक्ट टू टीचर्स एंड पेरेंट्स। जी हाँ, हमें अपने बच्चों को टीचर और पेरेंट्स का सम्मान करना सिखाना होगा। आजकल बहुत सारे बच्चे अपने टीचर्स का और अपने पेरेंट्स का वैल्यू नहीं करते हैं, जिसकी वजह से भविष्य में उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और टीचर्स और पेरेंट्स का सम्मान किए बिना
कोई भी बच्चा अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, ये हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो हमें अपने बच्चों को भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझाना होगा। इस बात में हमें सबसे पहले सिखाना है कि अपने पेरेंट्स की पोजीशन को देखते हुए काम करें। आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि कोई चीज देख ली तो उसकी डिमांड करते हैं, अपने पेरेंट्स की पोजीशन नहीं देखते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। यदि किसी बच्चे के पास नया मोबाइल है तो उसे भी वही मोबाइल चाहिए, यदि किसी बच्चे के पास नई बाइक है या बाइसिकल है तो उसे भी वही चाहिए। वो अपने पेरेंट्स की पोजीशन को कभी नहीं देखते हैं। तो हमें अपने बच्चों को समझाना होगा कि सबसे पहले अपने पेरेंट्स की पोजीशन देखिए और उस हिसाब से काम कीजिए। जो चीजें जरूरी है उसकी डिमांड कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें जरूरी नहीं है, जिनका कोई सेंस आपकी जिंदगी में नहीं है अभी के लिए, उन्हें डिमांड मत कीजिए, अपने पेरेंट्स का वैल्यू कीजिए। दूसरे पॉइंट में हमें उन्हें सिखाना होगा कि अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स की किसी भी प्रकार से आप यदि मदद कर सकते हैं तो उससे बचिए मत। हमेशा अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स की मदद कीजिए, क्योंकि मदद करने से चीजें सीखने को मिलती हैं, जिससे एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है। तो यदि किसी भी प्रकार की आप मदद कर सकें, यदि किसी भी प्रकार की बच्चे अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स की मदद कर सकें, तो हमेशा उनकी मदद करना चाहिए। तीसरे पॉइंट में हमें बच्चों को समझाना है कि यदि उनसे जिंदगी में कोई भी गलती हो गई हो, किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हो गई हो, तो उन्हें अपने टीचर्स को और पेरेंट्स से ये बातें शेयर करना चाहिए और उन्हें सॉरी बोलना चाहिए। और उन्हें हमें ये भी बताना होगा कि ये जो सॉरी आप कहेंगे अपने टीचर्स को या पेरेंट्स को, ये लाखों करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति से कहीं गुना ज्यादा वैल्यूएबल होगा, इसलिए सॉरी का वैल्यू उन्हें समझाना होगा। और उन्हें हमें यह भी बताना होगा कि गलती करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गलती हर इंसान से होती है, हम इंसान हैं और गलती हमसे नहीं होगी तो कैसे होगी। लेकिन गलती करके फिर से गलती करना मूर्ख कहलाता है। जो व्यक्ति मूर्ख होता है वो गलती करके फिर से गलती करता है, लेकिन समझदार व्यक्ति एक बार गलती करके उसे सीख लेता है और अपनी जिंदगी में एक नए मुकाम को, एक नई मंजिल को हासिल करता है। चौथे और आखिरी पॉइंट में हमें बच्चों को समझाना होगा टीचर्स का वैल्यू। जी हाँ बिल्कुल, कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि टीचर मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हैं, मुझे इतना होमवर्क क्यों दे रहे हैं, मुझे इतनी सारी बातें क्यों समझा रहे हैं। बच्चों को टीचर्स का वैल्यू नहीं होता है, उन्हें नहीं पता होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक टीचर जब किसी स्कूल को ज्वाइन करता है तो उसकी एक फिक्स सैलरी होती है, वो आएगा पढ़ाएगा अपना काम करेगा चले जाएगा, उसकी सैलरी उसे मिलती रहेगी। लेकिन इन सबके बाद भी एक टीचर एक बच्चे को इतना होमवर्क क्यों देता है, इतनी बातें क्यों समझाता है, बार बार क्यों उसे टोकता है? क्योंकि टीचर को पता है कि इन बातों को समझ कर ही एक बच्चा अपनी जिंदगी में एक नए मुकाम को हासिल करेगा। इन बातों के बिना, इन प्रैक्टिस के बिना, इन होमवर्क्स के बिना कोई भी बच्चा अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन ये वैल्यू, ये बातें पता है टीचर्स को, ये बातें पता नहीं है स्टूडेंट्स को। तो हमें इस चौथे और आखिरी पॉइंट में यही समझाना है। इस प्रोग्राम के तीसरे पॉइंट में हमें बच्चों को समझाना है हाउ टू कमांड ऑन योर बैड हैबिट्स। जी हाँ बिल्कुल, आज कई छोटे छोटे से भी बच्चों को बहुत सारी बुरी आदतें लग चुकी है, जिनके कारण वो अपनी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी भी एक नया मुकाम, अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। हमें बच्चों को सिखाना होगा कि जितनी भी बुरी आदतें हैं उन्हें हम कैसे मिटा सकते हैं। कभी भी कोई आदत एक दिन में नहीं लगती है, हमें बच्चों को सिखाना होगा। आदत मकड़ी के जाले के समान होती है, ना तो ये एक दिन में लगती है और ना ही एक दिन में छूटती है, ये धीरे धीरे करके लगी है तो धीरे धीरे करके ही छूटेगी। आज कई बच्चों को मोबाइल चलाने की बहुत बुरी आदत लग चुकी है, जिसके कारण दिन भर वो अपना मोबाइल में बहुत सारा समय व्यतीत कर देते हैं, जिससे उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता और अपनी जिंदगी में नए लक्ष्य जो है वो हासिल नहीं कर पाते हैं। ये समय है उनका आगे निकलने का, ये समय है उनकी जिंदगी में कुछ बनने का, लेकिन यदि इस समय को वो इन आदतों के चक्कर में बिगाड़ देंगे, खराब कर देंगे, तो अपनी जिंदगी में कभी भी अच्छे मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे। हमें बच्चों को समझाना होगा कि यदि आज मेहनत कर ली तो आपके अंडर में भविष्य में 100 लोग काम करेंगे, लेकिन यदि आज इन बुरी आदतों के चक्कर में आप फंस गए तो आपको 100 लोगों के अंडर में काम करना पड़ेगा। जी हाँ, आज बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि स्कूल जब आते हैं, इंस्टीट्यूट में जब आते हैं, तो बहुत तैयार होकर आते हैं, बहुत सारा मेकअप करके आते हैं, बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ें अपने जो बॉडी है उस पर लगा कर आते हैं, और वो इसलिए करते हैं ताकि कोई उन्हें रिस्पॉन्ड करे। और एक बार यदि कोई व्यक्ति उन्हें रिस्पॉन्ड कर देता है, उन्हें देखकर कोई स्माइल कर देता है, तो वो उस चक्कर में फंस जाते हैं और फिर वो कंटिन्यू हो जाता है। अब इसकी वजह से उनके दोस्त भी उन्हें और प्रमोट करते हैं कि देखो उन्होंने तो आपको देख के स्माइल की, या उस लड़के ने या उस लड़की ने आपको देख के स्माइल की, तो हो सकता है कि आपका कुछ हो जाए। ये सारी चीज़ें उनके दोस्त या वो खुद इस प्रकार से सोचने लगते हैं,
और इसी चक्कर में वो आगे बढ़ जाते हैं और एक दिन ये सारी चीज़ें उन्हें बर्बाद कर देती है। तो हमें बच्चों को समझाना होगा कि इन फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना है, अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले एक लक्ष्य बनाना है और उसे हासिल करना है। यदि कोई व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार से परेशान करता है, टीज करता है, तो अपने पेरेंट्स या फिर अपने टीचर्स को सबसे पहले आके बताना है और इन चीज़ों से बिल्कुल भी दूर रहना है। आज कई बच्चों को हमने देखा है कि उन्हें मोबाइल की एक बहुत बुरी आदत लग चुकी है। वो लोग दिन भर व्हाट्सएप, दिन भर फेसबुक, दिन भर इंस्टाग्राम और ऐसी कई सारी सोशल मीडिया साइट्स का यूज़ करते हैं। हमें उन्हें समझाना होगा कि इन चीज़ों में भविष्य नहीं है, ये आपको सिर्फ बहका रही है, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है। एक ऐसा समय आएगा जब आपको फील होगा, लेकिन वो समय जब आएगा तो बहुत समय बीत चुका होगा, आप अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य से बहुत पीछे हो चुके होंगे। इसलिए हमें उन्हें समझाना होगा कि इनका यूज़ टाइम टू टाइम करें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए स्टडी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए आपका लक्ष्य। यदि आप उस पर फोकस करेंगे तो ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। इन सारी बातों को हमें बुरी आदतों के रूप में बच्चों को बताना होगा और उन्हें सिखाना होगा कि कैसे इन आदतों से बाहर निकले। इस प्रोग्राम के चौथे और लास्ट पॉइंट में हमें बच्चों को समझाना है सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। आज कई सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि दूसरे बच्चों के पास तो स्पेशल टैलेंट है, इसकी वजह से वो आगे निकल गए। किसी फला बच्चे के पास तो बहुत ज़्यादा दिमाग है, इसलिए उसके नंबर अच्छे आते हैं या वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है। हमें बच्चों को समझाना होगा कि हर बच्चे के पास स्पेशल टैलेंट है, बस ज़रूरत है उसे ढूंढने की। हर बच्चे के पास समान दिमाग है, बस ज़रूरत है उसे चलाने की, उससे मेहनत करवाने की, उससे प्रैक्टिस करवाने की। हमें एग्जाम्पल देना होगा बच्चों को कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में कभी भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ता। कोई भी सीढ़ी यदि आपको चढ़ना है, कोई भी लैडर यदि आपको चढ़ना है, तो उसे एक एक करके ही चढ़ा जाता है। एक बार में हम एक पैर से लास्ट पैर पर नहीं पहुंचते हैं, एक एक करके ही कदम आगे बढ़ते हैं। हमें बच्चों को समझाना होगा कि यदि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बन सकते हैं। पहले हमें लक्ष्य तय करना होगा और उसके बाद उसमें कॉन्फिडेंस दिखाना होगा कि हम हमारी ज़िंदगी में ये कर सकते हैं। आज कई बच्चों को ये भी लगता है कि हम किसी भी डिग्री को ले लेंगे और उसके बाद हमें कोई ना कोई जॉब तो ज़रूर मिल ही जाएगी, लेकिन इस प्रकार से हमें समझाना होगा कि कोई भी डिग्री लेकर आपको किसी भी प्रकार की जॉब लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी में एक लक्ष्य बनाना होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं और उसके प्रति अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाना होगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी में सिर्फ यही करना है। आज हीरो या फिर मूवी से बहुत ही प्रभावित है हमारे बच्चे और उन्हें अपना सब कुछ मान लेते हैं। हीरोज जो होते हैं मूवी के, वो रियल लाइफ के हीरो है, रियल लाइफ के हीरो नहीं है। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, जो आपको बच्चों को बताना है, कि असली जिंदगी की असली जो दौड़ है, जो रेस है, उसके हीरो है आप सभी बच्चे। आप सभी बच्चे इस भारत के असली हीरो हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये भारत, ये देश आगे बढ़ेगा और अपनी ज़िंदगी में आप जब कुछ मुकाम हासिल कर पाएंगे तो आप अपने साथ इन सभी लोगों को प्राउड फील करवाएंगे। इन चारों पॉइंट्स के खत्म होने के बाद आपको अपने बच्चों को समझाना है, उन्हें कहना है कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी लक्ष्य बनाए हैं आप उन्हें बिल्कुल पूरा कर पाएंगे, इसमें हमें पूरा भरोसा है और पूरा विश्वास है। हर व्यक्ति आपको विन होने के बाद मेडल प्रदान करता है, लेकिन आपको अपने बच्चों को बताना है कि टीम वेफार आप सभी बच्चों को जीतने से पहले ही एक मेडल प्रदान करने जा रहा है, क्योंकि टीम ओएफआर को भरोसा है कि आप सभी बच्चों ने जो भी लक्ष्य बनाए हैं अपनी ज़िंदगी में उसे ज़रूर पूरा कर दिखाएंगे। और इसीलिए टीम ओएफआर जीतने से पहले ही कॉन्फिडेंस दिखाते हुए आप सभी को मेडल प्रदान करने जा रहा है। जब एक एक कर बच्चे आएंगे तो उन्हें ये बताना होगा कि जब आप मेडल प्रदान करेंगे तो आपको एक छोटी सी चीज़ करनी होगी और वो चीज़ ये है कि आपको अपना लक्ष्य हमें बताना होगा कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं और उसके बाद हम ये मेडल आपको प्रदान करेंगे। जब मेडल प्रदान करेंगे तो सारे बच्चे एक साथ सभी के लिए तालियां बजाएंगे, क्योंकि यही उनकी जिंदगी का असली मुकाम है, असली मकसद है। अब इस मेडल को ले जाकर आपको घर पे एक ऐसी जगह पर टांगना है, एक ऐसी जगह पर रखना है जहां से आप सुबह शाम रोज इसे देख सके और आप अपनी जिंदगी में जब भी थका हुआ महसूस करें, हारा हुआ महसूस करें, कुछ ऐसी फीलिंग आए नेगेटिव से, तो इस मेडल को देखिए और अपने आप को चार्ज कर लीजिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, एक नए मुकाम को हासिल करने के लिए। सभी बच्चों को मेडल देने के बाद ये प्रोग्राम यही खत्म हो जाता है। आप सभी टीचर्स, आप सभी गुरुजनों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने टीम ओएफआर के इस इनिशिएट में हिस्सा लिया और हमारी मदद की बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट के बिना ये प्रोग्राम सफल नहीं हो पाता।
मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी ओर से आप सभी को ऑल द बेस्ट, क्योंकि मेरा काम यही खत्म होता है, अब आपका काम शुरू होता है कि आप अपने बच्चों को कैसे इन चीजों को बताते हैं और उन्हें एक नए मुकाम पर लेकर जाते हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।